हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू में उन्होंने MPS कोर्स को चुना है और वो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। उन सभी के पास में MGPE का सब्जेक्ट है और वो MGPE 0010 में अगर हम देखें बेसिकली संघर्ष प्रबंधन और रूपांतरण तथा शांति निर्माण, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द पीस बिल्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि जैसे ही हमने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई लास्ट वाली, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आए और बच्चों की डिमांड्स एग्जामिनेशन हॉल से निकलते के साथ ही स्टार्ट हो गई। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। इसमें हम इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस का ध्यान रखा है हमने जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे ताकि आपके एग्जाम में आपका ज़्यादा समय हम खर्च ना करें। डायरेक्टली क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन आपको तैयार करने, हम इसको ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो का PDF है क्वेश्चंस का, बेसिकली दोनों भाषाओं में है, इसलिए आप सभी के लिए इंग्लिश भाषा में भी है और ये हिंदी भाषा में भी है। तो क्वेश्चन क्योंकि हिंदी में कई बार गलत आते हैं तो आप इंग्लिश में उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपसे पूछा गया है संघर्ष से आप क्या समझते हैं, यानी कन्फ्लिक्ट होता क्या है, व्हाट इज कन्फ्लिक्ट। देन सेकेंड चीज आपसे पूछा गया इसमें संघर्ष समाधान के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। इसमें हमने बिल्कुल ऐसे लिमिटेड से क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं और वो ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पॉइंट आउट करने हैं कौन कौन से वो डिफरेंट टेक्निक्स या फिर विभिन्न तरीके बताने हैं आप सभी को इसके अंदर, जो कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब है संघर्ष समाधान करने में। तो संघर्ष समाधान करने में बेसिकली अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें, हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, कूटनीति तथा अलग अलग पहलुओं का इस्तेमाल करते हैं। संघर्ष किसी भी देश के लिए उसके लिए जितना फायदेमंद उससे ज़्यादा कहीं नुकसानदायक होता है। संघर्ष कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। संघर्ष कई बारी हम दूसरे देशों के साथ भी करते हैं और संघर्ष कई बारी हमें अपने देश के अंदर भी देखने को मिलता है। तो संघर्ष किस प्रकार का है ये इस बात पर निर्भर करता है, लेकिन संघर्ष के दौरान हम देखते हैं विरोध प्रदर्शन, हिंसाएं और कई बारी हम देखते हैं जन आंदोलन देखने को मिलता है, जिससे सार्वजनिक संपत्ति या देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से तरीके हैं संघर्ष समाधान करने के, एक राष्ट्रीय तरीके है और एक अंतर्राष्ट्रीय तरीके, तो इनके बारे में आपको डिटेल से बताना है। राष्ट्रीय तरीके संघर्ष समाधान के क्या हो सकते हैं, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर संघर्ष हो रहा है उसके लिए न्यायिक बैठकें हो सकती है या फिर जो भी देश के अंदर संविधान की व्यवस्था है संघर्ष को समाधान करने के लिए उन व्यवस्थाओं का पालन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी संस्थाएं हैं वर्तमान समय में जो संघर्ष समाधान में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। आप सभी को पता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस पे बन रहा है बार बार ही आपके पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उल्लेख कीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को समाधान करने में, जो संघर्षों को समाधान करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये क्वेश्चन एक अलग से भी बनता है। तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बॉडीज में आपको UNO, IMF या फिर ऐसी संस्थाएं जो बेसिकली संघर्ष को समाधान करने में मुख्य भूमिका निभाती है उनके बारे में आपको उसके अंदर बताना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यानी आपको बताने हैं कि संघर्ष के क्या क्या स्रोत हैं। तो संघर्ष के कई सारे स्रोत हो सकते हैं, कुछ परंपरागत स्रोत हो सकते हैं, जैसे परंपरागत तरीके से किसी चीज़ की डिमांड्स हो रही हो और वहाँ पर संघर्ष लगातार जारी रहा हो। दूसरी चीज़, संघर्ष के कुछ नए परिवर्तन के कारण भी संघर्ष होते हैं और कई बारी संघर्ष अपने ताकत को या फिर अपनी पावर्स को दिखाने के लिए भी संघर्ष का रूप हम देखते हैं। तो अलग अलग प्रकार है, बाकी आपने बुक्स में भी पढ़ रखे हैं तो आप उन सभी को भी रेफर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में सामाजिक संघर्ष की मूलभूत विशेषताओं को बताइए, यानी भारत में सामाजिक संघर्ष बेसिकली होता क्यों है और क्या इसकी खासियत है। तो भारत में आप सभी को बताएं
एंशियंट टाइम से ही कास्ट सिस्टम है, तो अधिकतर संघर्ष जो है वो पर्टिकुलर ऐसी ट्राइब्स के द्वारा या ऐसी जनजातियों के द्वारा किया जा रहा है जो उनके साथ में एक अच्छा बिहेवियर नहीं किया जा रहा, और अच्छा बिहेवियर नहीं किए जाने की वजह से जैसे उनकी संस्कृति को खतरा होता है, कई बार उनकी विचारधारा को खतरा होता है, कई बार उन्हें उस पर्टिकुलर एरिया से निकाला जाता है, तो इस वजह से हम देखते हैं कि संघर्ष होता है और संघर्ष की कई विशेषताएं देखने को मिलती है हमें। कई बार संघर्ष जो है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही सीमित दबकर रह जाता है, कई बार संघर्ष बड़े पैमाने पर फैलते हैं, ना केवल इनकी कुछ मांगे होती है निश्चित मांगे और जिसके बाद में इनके समाधान होने के भी कहीं ना कहीं हमें आश्चर्य दिखाई पड़ते होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधीवादी संघर्ष परिवर्तन की विशेषताओं को बताइए। तो यहाँ पर आपको जो पीस रेजोल्यूशन है यानी जो इसमें संघर्ष जो हमारा कन्फ्लिक्ट है उसको कन्फ्लिक्ट्स को किस प्रकार से गांधीवादी तरीके से रोका जा सकता है, जैसे गांधी जी क्या कहते थे, हमें क्या करना है, असहयोग करना है हमें, या फिर सत्याग्रह करना है, या फिर हमको क्या करना है, नॉन वायलेंट रहना है। तो गांधी जी के इन प्रोस्पेक्टिव को हमें इसके अंदर मेनली डिफाइन करना है इस वाले क्वेश्चन में कि गांधी जी ने नॉन वायलेंट का मतलब क्या बताया। नॉन वायलेंट का मतलब होता है कि उस जगह पर आपको हिंसा नहीं करनी, अहिंसक प्रवृत्ति का रहना है। तो उसके अंदर अंतर्गत हम संघर्ष को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि जब हिंसा ही नहीं होगी तो हम आराम से बातचीत करके अपनी बातों को रख सकते हैं, तो कुछ ये बातें, या फिर हम सत्याग्रह की बात कर लेते हैं तो सत्य के लिए आग्रह करना, और इसके अंदर अहिंसक रूप की मुख्य भूमिका है। इसके अलावा जीन आपके शार्प जी है, इन्होंने अहिंसा के महत्व की क्या व्याख्या की है इसको आपको एक्सप्लेन करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह आ चुका है कि संघर्ष प्रबंधन की या संघर्ष प्रबंधन को प्रभावी बनाने वाले विभिन्न तरीके बताइए, यानी संघर्ष जहां पर भी कन्फ्लिक्ट देखते हैं तो उसको मैनेज कर किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, या किस प्रकार से मैनेजरी तरीके से संघर्ष को देखा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जनता की कोई ना कोई डिमांड्स होती है जो सरकार के सामने वो रखती है, लेकिन सरकार जब उन डिमांड्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है तो सरकार के लिए और जनता के लिए भाई उस समय एक ही चारा रखता है। सरकार इस बात की कोशिश में रहती है कि किस तरीके से हम इस संघर्ष को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं, और दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि जनता यही कोशिश करती है कि सरकार जो हमारी मांग से उनको जो पूरा नहीं कर रही है उन मांग को कैसे जल्द से जल्द क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपसे पूछा गया है संघर्ष प्रबंधन को प्रभावी बनाने वाले विभिन्न विधियों को बताना है, यानी संघर्ष प्रबंधन देखो इसको प्रभावी बनाने वाले विभिन्न तत्वों को और विभिन्न विधियों को, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये पहली बात तो आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एक ही है, कई बार अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी क्या आएगा, संघर्ष विश्लेषण की विभिन्न विधियों को बताइए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन जो है बेसिकली 19-20 का फर्क है, तीनों क्वेश्चन जो है सेम है, तो पेपर में कुछ ही क्वेश्चन जो है वो आप सभी के अधिकतम रिपीट होंगे, और आपको कई बार आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को पूरी तरीके से मिलने वाले हैं। हालांकि आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, आप सभी प्रीवियस वीडियोज में कमेंट्स को केवल पढ़ लोगे, जो नए बच्चे आएंगे तो उनको वैसे ही पता चल जाएगा कि सर की वीडियो से कितने क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में द्वंद की कौन कौन से कारक है, यानी अफगानिस्तान में जो द्वंद हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान में द्वंद होने का क्या है, एक तो आतंकवाद है द्वंद होने का कारण, दूसरी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कमी है वहां पर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कमी है, और तीसरी बात करें तो स्थिर सरकार ना होना वहां पर, क्या नहीं है, स्थिर सरकार बिल्कुल भी नहीं है, स्थिर सरकार नहीं है। कोई भी देश है वहां पर अगर स्थिर सरकार होती है तो वहां पर संघर्ष को समाधान करने में सरकार की मुख्य भूमिका होती है, परंतु वहां पर ये सारी चीजें नहीं है जिसकी वजह से वहां पर संघर्ष हो रहा है। आतंकवाद अत्यधिक है, आतंकवाद अधिक होने की वजह से सरकार में स्थिरता भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कमी होने के कारण वहां पर आतंकवाद बहुत ज्यादा है, और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश उनसे अत्यधिक संबंध बनाने के भी प्रयास नहीं करते। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, शांति लाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हो अपनी तरफ से, तो आतंकवाद जो अंतर, मैं तो एक ही सुझाव दूंगा मैं अपनी तरफ से कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव उस पर कम है, जैसे यूएनओ जैसी बॉडीज हमने इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, तो ये बिल्कुल फ्रीली क्या कर सके, ऐसे संगठनों पर रोक लगा सके, या फिर
जैसे कुवैत के ऊपर आक्रमण हुआ था, तो वैसे हम कहेंगे आक्रमण तो ना हो लेकिन यहाँ पर हस्तक्षेप हो और सरकार क्या करे वहां की स्थिरता लाने में, सरकार की जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही आ चुका है, इसमें आपसे पूछा गया है कि द्वंद्व विश्लेषण का क्या अर्थ है। द्वंद्व का विश्लेषण करना है, द्वंद्व मतलब संघर्ष ही एक तरीके से, कि वहां पर क्यों होता है, कन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, इसका विश्लेषण बताना है आपको। तो ये वीडियो हमने स्टार्टिंग में भी हमने क्वेश्चन बताया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शांति निर्माण के क्या क्या अर्थ है, क्या लक्षण है और क्यों इंपॉर्टेंट है शांति निर्माण। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, किसी भी देश में सामाजिक रूप से शांति स्थापित करने के लिए, किसी भी देश के अंदर एक जन कल्याण या व्यवहारिक रूप से वे लोगों को रहने के लिए शांति अत्यधिक उपयोगी है। अगर वहां पर शांति नहीं होगी तो उस देश में कोई ना तो अच्छे से विकास करेगा, ना ही लोग खुश रहेंगे वहां पर, ना ही लोग जो है अपना विकास कर पाएंगे। तो ये शांति जो है एक व्यवहारपूर्ण वातावरण भी नहीं बन पाएगा, वहां पर तनाव अधिक देखने को हमें मिलेगा। तो शांति निर्माण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड के जो है द्वंद्व पर टिप्पणी करना है, नागालैंड में क्या प्रॉब्लम है और क्यों वहां पर संघर्ष बार बार ही होता है। आप सभी को पता है कि सन 2014 के बाद से आपको पता है कि नागालैंड ने अपने आप को भारत से अलग होने की भी बात कर दी है, उसने अपना जो है एक ध्वज भी बना लिया है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नागालैंड के बारे में अगर आप डीप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि नागालैंड की सिचुएशन बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी बिल्कुल अलग है। नागालैंड जो है वो काफ़ी डिफरेंटली बिहेव करता है, वो भारत के साथ दिखता तो है आपको परंतु पर्टिकुलरली अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो भारत के हिस्सा अपने आप को बिल्कुल ही मना करता है कि हम भारत का हिस्सा ही नहीं। यहाँ पर किसी जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा खराब है इस जगह पर। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नया जानने को मिलेगा और मैं आशा करता हूँ आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ोगे क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपसे बिखले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख कीजिए जो संघर्ष समाधान में कार्य करती है, जैसे यूएनओ है। क्या करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये ऐसी संस्था है जो संघर्ष को समाधान करने में कार्य करती है। जिन भी देशों के बीच में तनाव बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होती है या फिर विश्व में सुरक्षा का कोई भी मुद्दा उठता है तो हम यूएनओ की तरफ एक बड़े ही आदरणीय या फिर धैर्यपूर्वक देखते हैं कि भाई यूएनओ जो है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये बेसिकली क्या करेगी उन देशों को जहाँ पर सिक्योरिटी के थ्रेट है वहाँ पर शांति स्थापित करने की कोशिश करेगी, पीस रेजोल्यूशन वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये हम एक तो यूएनओ के बारे में इसमें डिटेल से बताएंगे क्योंकि यूएनओ के अंदर ही आपको पता है जो है आईसीजे काम करता है। अब आप बोलोगे ये क्या है आईसीजे, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आप सभी को पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है। अगर किसी देश को लेकर, दो देशों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर विवाद है तो विवाद यहीं पर सुलझाए जाते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये यूएनओ के अंतर्गत ये काम करता है, तो ये कह सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति या संघर्ष समाधान करने में WTO की भूमिका भी लिख सकते हो, आप IMF की भी लिख सकते हो। WTO की भूमिका हम क्यों कहेंगे मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देशों के बीच में कोई भी मतभेद है, व्यापार नहीं होता है ना, तो उन देशों के बीच में व्यापार कराने में भी कहीं ना कहीं इसकी बहुत हद तक भूमिका होती है, ये आप सभी को याद रखना है। यह व्यापार के स्तर को भी ऊंचा उठाने में देशों की क्या करता है, हेल्प करता है। IMF ऐसे देशों के बीच में जो अगर देशों को ऋण चाहिए तो उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है जिससे देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष जो है वो ना हो, अमीर वर्ग जो है वो गरीबों का शोषण ना करे, इस तरीके की चीज है। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है भैया आपको करके ही जाना है, जैसे आपका अजहर के दीर्घकालिक सामाजिक संघर्ष आप क्या समझते हैं, ये आपको डायरेक्टली तैयार करके जाना है। एक आपका गोल्टुंग द्वारा प्रत्यक्ष संरचनात्मक और अभियान संस्कृति हिंसा की धारणा को आपको एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन भी आपको पक्का करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष परिवर्तन की उत्पत्ति के संदर्भ में बताइए कि संघर्ष जो है वो आखिर होता क्यों है, कैसे उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में आप सभी को इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है संघर्ष परिवर्तन जो प्रबंधन है, यानी संघर्ष जो एक कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट है उसको व्यवस्थित दृष्टिकोण कौन सा है, यानी किस तरीके से संघर्ष जो अधिक बढ़ रहा है उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, किस तरीके से हम संघर्ष की अप्रोचेस को सिस्टम अप्रोच की तरह बदल सकते हैं, यानी हम किस तरीके से वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित कर सकते हैं, इसमें बेसिकली ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन विश्व में विश्व संघर्ष के बाद पुनः जो है पारिस्थितिक महत्व को बताइए, आपको इसमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संघर्ष है, संघर्ष के अलावा भी देशों के बीच में आपसी सहयोग जो है वो लगातार बना हुआ है,
देशों के बीच में, जैसे अभी COVID-19 का टाइम आया था तो इसमें हमने देखा कि देशों के बीच में संघर्ष तो है, लेकिन जब देशों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है तो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प भी करने का, अर्थात या जितना प्रयास हो सकता है उनसे उतना प्रयास करते भी है। तो संघर्ष बेसिकली है क्या? अगर मैं संघर्ष की बात करूंगा तो संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन परिस्थितियों को कहा गया है जिसके अंतर्गत देशों को अपनी सुरक्षा से थ्रेट लगता है या फिर उनके देश की जो न्यायिक और कानूनी व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी, तो यही संघर्ष वहाँ पर मान लिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों संघर्ष को रोकना चाहिए किसी भी देश के लिए, क्यों एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय